फिर उनको मंत्रालय से हटाया जाता है। इन बातों में ना जाके ये सीधा सा मतलब यह है कि मेरी जहाँ तक सोच है और समझ है कि खबरों में रहने की व्यवस्था है जी, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, अवाम है, पब्लिक है, जैसे हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आज पूरी जनता के बीच जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, निश्चित तौर पे सपा और बसपा के इस जाल से और जात पात की जो राजनीति है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस स्थिति से जनता पूरी तरह ऊब चुकी है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, जब लोगों को न्याय मिलेगा। आपको लग रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज है, जिस पर जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि जो वादे किए थे वो वादे भी पूरे करने हैं, और जो सबसे अहम मसला है वो है कानून व्यवस्था का, इन तमाम मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं पारिवारिक झगड़े में ही पूरी सरकार उलझती नजर आ रही है, इसका नुकसान नहीं हो रहा जनता को? पहले चाचाओं के साथ में मिलकर सरकार चला ली 5 साल, अब वो सोच रहे हैं कि चाचाओं को हटा के 5 साल चला लूं। और उत्तर प्रदेश की जो जनता है, मुद्दे हैं, वो सब मुद्दे वहीं के वहीं रह गए हैं, तो कोई ना कोई ऐसी बात करनी पड़ेगी जिससे जनता का ध्यान थोड़ा हटे। इनको बजाय अपने पारिवारिक झगड़े के पढ़ने के, जनता को जवाब दे होना चाहिए था, जनता से जो वायदे किए उन वादों को निभाना चाहिए था, और सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको ठीक करने का काम करना चाहिए था पूरे परिवार को मिलकर, ना के झगड़ा करना चाहिए था। इससे और पब्लिक में और जनता में यह संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो लोग जनता के कामों पर खड़े ना उतरने के कारण इस तरीके की जो माहौल पैदा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और जवाब देगी।